जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियों का सीज़न आ ही गया है और इस सीज़न में कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता, बस दिल चाहता है कि कुछ लाइट सा हल्का फुल्का सा खाया जाए। तो मैं लाई हूँ आज मज़ेदार सा बैंगन का रायता और ये इतना ज़्यादा लाइट होता है, इतना ज़्यादा मज़े का होता है और चंद ही इन्ग्रीडियंट्स में ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया, इसको ब्रश कर लिया है विद द हेल्प ऑफ माई ब्रश और इसके अंदर हमने बैंगन जो है स्लाइसिस में कट करके रख दिए हैं। अब इसको 2-3 मिनट्स के लिए हमें इसको उस तरह से फ्राई करना है, सॉटे करना है। अब मैंने पे दही ले लिया है 1/2 कप के करीब, आपको जितना लेना है आप ले सकते हो। इसको अच्छी तरीके से फेटेंगे कि लम्स फ्री हो जाए, एक भी लम्स इसमें अंदर नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप इज कि अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। बहुत ही कम मसाले हैं, आई थिंक सिर्फ 2 ही हैं। यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल सकते हो नमक जितना आपको लेना है। और यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्चें, बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स गए थे। अब आपके ऊपर इस स्टेज पर डिपेंड करता है कि आप पानी ऐड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। मैंने यहाँ पे पानी ऐड नहीं करा था क्योंकि मैं और मम्मा ही को ही खाना था, 2 लोगों को खाना था, तो मैंने इसलिए इतना ही रखा था। अगर ज़्यादा लोग खा रहे तो आप पानी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमारे जो बैंगन है वो भी अच्छी तरीके से सौते हो गए थे, आप देखें, और इतना प्यारा इनका ब्राउन सा कलर आ गया था। और बैंगन को गलाना ज़रूरी है वरना कच्चे होंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे टेस्ट में। तो ये भी हो चुके थे अच्छी तरीके से। Then we have to move on next step. तो जो हमारा next step था वो था हमारा एक मज़ेदार सा तड़का। तो सबसे पहले हम बैंगन को दही में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं शिफ्ट कर रही थी और उसके ऊपर दही हम डाल देंगे। या आप ये भी कर सकते हो कि डिश में बैंगन पहले रख दो, उसके ऊपर से दही पोर कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप। बहुत ईजी रेसिपी है ये। और यहाँ पे हमारा 50% जो रायता है वो तैयार हो गया है। अब जो मेन काम है वो हमारे तड़के का है कि ये मज़े का तड़का हमें क्या करना है। हमने यहाँ पे कड़ी पत्ता लिया, बस सूखा हुआ था, मैंने सूखा हुआ ऐड किया है। आप फ्रेश कर सकते हो, ज़ीरा है और जो गोल वाली लाल मिर्च होती है इसको मैंने बीच से तोड़ लिया था तो वो डालें। ये तड़का इतना मैजिकल है यार, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। इससे जो है ना आपके रायते में 4 चांद लग जाते हैं। और इस रायते को आप बटर पुलाव के साथ खा सकते हो, सादे चावल के साथ खा सकते हो, बॉयल्ड राइस के साथ। और यहाँ पे देखिए हमारा तड़का लग चुका था और ये इतने मज़े का बना था। मतलब मैंने अपने और मम्मा के लिए बनाया था लेकिन सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो और मुझे फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की अगर आप गर्मियों से रिलेटेड रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।